सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य बागवानी व सैनिक कल्याण मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने अनुसूचित जाति उप योजना की बैठक की अध्यक्षता करते हुए बताया कि इस योजना के तहत मंडी जिला में चालू वित्त वर्ष में 113 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। ये धनराशि अनुसूचित जाति समुदाय के सामाजिक व आर्थिक विकास पर खर्च होगी। सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य बागवानी एवं सैनिक कल्याण मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने अनुसूचित जाति उप योजना की बैठक की अध्यक्षता करते हुए बताया कि इस योजना के तहत मंडी जिला में चालू वित्त वर्ष में 113 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। यह धनराशि अनुसूचित जाति समुदाय के सामाजिक व आर्थिक विकास पर खर्च होंगी। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2018-19 में इस उपयोजना के तहत मंडी जिला में अनुसूचित जाति समुदाय के कल्याण पर 145 करोड़ 60 लाख 83 हजार रुपए व्यय किए गए हैं। उन्होंने बताया कि बीते वित्त वर्ष में कृषि एवं संबद्ध सेवाओं पर 6 करोड़ 60 लाख 41 हजार रुपए, ग्रामीण विकास पर 38,008 लाख, पेयजल एवं सिंचाई सुविधाओं पर 24 करोड़ 58 लाख, सड़कों व पुलों के निर्माण पर 30 करोड़ 50 लाख, स्वास्थ्य सेवाओं पर 6 करोड़ 68 लाख 85 हजार, शिक्षा पर 7 करोड़ 54 लाख, सामाजिक कल्याण पर 25 करोड़ 28 लाख रुपए व्यय किए गए हैं। इस योजना के तहत 693 अनुसूचित जाति परिवारों को लाभान्वित किया गया है। अनुसूचित जाति उपयोजना की बैठक की अध्यक्षता करते हुए महेंद्र सिंह ठाकुर के तेवर उस समय तलक हो गए जब कुछ विभागों के अधिकारियों द्वारा आवंटित बजट को बिना विधायकों के बताए खर्च करने की बात सामने आई। उन्होंने अधिकारियों को विकास कार्यों का पैसा संबंधित विधायकों की सहमति से खर्चने की हिदायत भी दी। उन्होंने कहा कि विधायकों की प्राथमिकता को तरजीह दें, साथ ही उनकी सहमति से ही विकास कार्यों पर पैसा खर्च किया जाए, बिना बताए मनमर्जी से पैसा खर्च ना किया जाए। समिति को बताए बिना पैसा खर्चने पर बजट का अनुमोदन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभाग सुनिश्चित करे कि केवल कुछ एक लोगों को बार बार सरकारी योजनाओं का लाभ ना मिले। उन्होंने निर्देश दिए कि हर विधानसभा क्षेत्र के लिए बजट का बराबर आवंटन करे ताकि गरीब पात्र व्यक्ति को लाभ मिल सके। नहीं, एक कोई एक दो जो है वो कहीं सर्कल ऑफिस के नज़दीक है तो वो ले जाएं। सर्कल ऑफिस के नज़दीक तो अंधेरा रहता है, ले जाने वाले ले गए गांधी और ले गए हैं। ये सभी सुनो भाई, 10 के 10 चुनाव क्षेत्र, छोटी राशि है लेकिन ये राशि बहुत काम की राशि है। हम लोग फील्ड में जाते हैं, बहुत काम ऐसे चले होते हैं हमारे 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 पता नहीं होता भी कहाँ से पुल बन गया, कहाँ से बोरवेल डल रहा है। ये जो राशि बंटवाई जा रही है, पूछ करके आप अपने SMS को, आप अपने डिप्टी डायरेक्टर जो है अपने अपने आप सभी विधायकों को एक बराबर की एलोकेशन करें, एक बराबर उनकी उनके फिर उस उनके आगे है भी वो क्या कहते हैं वहाँ पर काम करते हैं, ना कि ऐसा है भी आप अपने तौर पर एलोकेशन करते चले जाएँ, आप खर्च करते चले जाएँ, लास्ट में हमारे पास ले आए बिहारी फुटा लगाओ एक उठाने वाले जाते हैं। हम तो काम पे जो हम प्रायोरिटी फिक्स करेंगे उसी पे हम फिर उसको पास करें। आप अपने मुताबिक चलेंगे, हमने इसको पास करें। मेरा आपसे आग्रह रहेगा सभी अधिकारियों से, विधायक के बगैर उसके चुनाव क्षेत्र में कोई काम जो है वो नहीं होना चाहिए। आप विधायक के पास जाओ, उसको पूछो तो आपको बताएगा, आप बता दो इतना पैसा आया भी क्या करना है, वो अपने आप बता देंगे। दिया आप ए टी एम ब्रांड जगह बना दो, एक कूल बिना बना दो, एक बोरवेल यहाँ लगा दो, गाड़ी को जो है वो कोई इंसेंटिव है तो उसको खाने को दे दो। इस करके इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मेरा आग्रह रहेगा आपसे, इस बार की मीटिंग को हम कर रहे हैं लेकिन 19-20 को हम नहीं करेंगे जब तक आप बजट की जो एलोकेशन है सभी विधायकों को इसकी कॉपी नहीं भेजें, कॉपी भेजें उनसे प्राथमिकता लें तब जा करके हम इसको। मेरा आग्रह रहेगा सभी अधिकारी और कर्मचारियों से, मेरे साथियों से, विधायक साथियों से कि हम किसी भी मीटिंग को इतने हल्के में ना लें। हम ये ना सोचें कि हम एक औपचारिकता निभाने जा रहे हैं, अधिकारी पूरी तैयारी के साथ आएँ, अधिकारी इस बात का विशेष ध्यान रखें
आप एमएलए को किसी हाथ में नहीं होगा, आपका आपको विधायक को विरोध करने का हिम्मत ना करें। इन शब्दों के साथ डीसी साहब का धन्यवाद।